हेलो स्टूडेंट्स, और टुडेज टॉपिक इज़ नेजो ट्रैकियल इंट्यूबेशन। हाउ विल यू परफॉर्म नेजो ट्रैकियल इंट्यूबेशन? आज हम डिस्कस करेंगे नेजो ट्रैकियल इंट्यूबेशन के बारे में। तो नेजो ट्रैकियल इंट्यूबेशन मींस ट्रैकिया में हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, बट थ्रू नोस्ट्रल। नोज के थ्रू हम एक एंडोट्रैकियल ट्यूब पास करते हैं इनटू द ट्रैकिया। इंट्यूबेशन हम दो साइड से कर सकते हैं, या तो माउथ के थ्रू या नाक के थ्रू। तो नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन हम कैसे करेंगे, आज हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन से पहले आपको इक्विपमेंट जो होता है इंट्यूबेशन पर्पज के लिए वो रेडी रखने होते हैं, ठीक है। और नेजल पेटेंसी आपको चेक करनी होती है, नोस्ट्रल्स जो होते हैं, नाक जो होती है उसकी पेटेंसी आपको चेक करनी होती है कि ये दोनों साइड से, दोनों नोस्ट्रल्स में पेटेंसी इक्वल है या नहीं है। तो उसके बाद अगर नेजल पेटेंसी दोनों नोस्ट्रल्स पेटेंट है, दोनों साइड से पेटेंसी इक्वल है, तो आप हमेशा राइट नेरीज जो होती है, राइट नोस्ट्रल जो होता है, वही हम सिलेक्ट करते हैं नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए। वो इसलिए कि मोस्ट ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होता है उनकी जो बीवल होती है वो फ्लैट होती है, जो कि फेस करती है फ्लैट नेजल सेप्टम के साथ, और जिससे क्या होता है डैमेज टू टर्बिनेट्स कम हो जाता है, टर्बिनेट्स को डैमेज कम हो जाता है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं राइट नेरीज जो होती है वो सिलेक्ट करते हैं। तो क्या करना होता है नेजो ट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए, सबसे पहले आपको इक्विपमेंट्स रेडी रखने होते हैं और साथ साथ नेजल पेटेंसी चेक करनी होती है। नेजल पेटेंसी अगर दोनों साइड से सेम होगी, इक्वल होगी, तो राइट नेरीज हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं वैजो कंस्ट्रक्टर ड्रॉप्स या सोक्ड कॉटन टिप प्लेजेट्स या स्प्रे नेजल ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन से पहले नेजल पैसेज जो होती है नोस्ट्रल्स में हम क्या करते हैं नेजल ड्रॉप्स, वैजो कंस्ट्रक्टर ड्रॉप्स या नेजल स्प्रे जो होता है वो यूज़ करते हैं, या कॉटन टिप प्लेजेट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जब हम टॉपिकल एनेस्थीसिया अचीव करेंगे, ऑप्टिमल टॉपिकल एनेस्थीसिया अचीव करेंगे एयरवे का, हम क्या करते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया हम यूज़ करते हैं यूजुअली अवेक इंट्यूबेशन में या जनरल एनेस्थीसिया में। अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, जो नेरीज होते हैं नेजल पैसेज जो होती है नेजोट्रैकियल इंट्यूबेशन से पहले, हम उसमें वैजो कंस्ट्रक्टर ड्रॉप्स या स्प्रे यूज़ करते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया पर्पज़ के लिए। अब आपको ट्यूब साइज़ जो है सिलेक्ट करना होता है। ट्यूब साइज़ हमेशा हमें 0.5 या 1 mm आईडी जो होता है, इंटरनल डायमीटर जो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें पेशेंट के लिए, अगर हम ओरो ट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे पेशेंट के लिए, साइज़ 6 एंडो ट्रैकियल ट्यूब लग रहा है वो हमने सिलेक्ट किया है, तो नेजल इंट्यूबेशन के लिए साइज़ 5.5 या 5 यूज़ करना चाहिए। हमेशा 0.5 या 1 साइज़ जो इंटरनल डायमीटर होता है कम यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं ये जो ट्यूब होता है उसको हम लिब्रिकेट करते हैं, उसका कफ लिब्रिकेट करते हैं, नेरीज को भी हम लिब्रिकेट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक जेली से। उससे पहले हम वैजो कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। अब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मोर पेटेंट नोस्ट्रल होता है, नोस्ट्रल जो कि ज़्यादा पेटेंट होगा वो हम चूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब को हम किस डायरेक्शन में इंसर्ट करेंगे, जब भी आप एडवांस करोगे एंडोट्रैकियल ट्यूब आपने नोस्ट्रल में इंसर्ट किया, उसके बाद इसको परपेंडिकुलर टू फेस बट पैरेलल टू हार्ड पैलेट उस डायरेक्शन में एडवांस करना चाहिए। परपेंडिकुलर टू फेस, एंडोट्रैकियल ट्यूब फेस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए और पैरेलल टू हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट को पैरेलल होना चाहिए। फिर उसके बाद स्लोली इसको एडवांस हम करते हैं, तो कभी भी आपको फोर्स अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे ओबस्ट्रक्शन हो रही है
ट्यूब जो है किसी के साथ नेजोफेरिंजल वॉल के साथ स्टक हो गया है, जिससे आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील, रेजिस्टेंस फील हो रही है, तो क्या करना चाहिए? आपको फोर्स अप्लाई नहीं करना चाहिए, उससे म्यूकोजल टियर हो सकता है या फॉल्स क्रिएशन, पैसे फॉल्स जो पैसेज होती है उसकी क्रिएशन हो सकती है। तो स्लाइटली जब आपको लग रहा है कि कहीं पे ओबस्ट्रक्शन हो रही है, आप स्लाइटली इसको बाहर निकालो, फिर से एडवांस करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ट्यूब, ये टेक्निक आपने इसको बाहर निकाला, थोड़ा सा फिर से एडवांस किया, फिर से ओबस्ट्रक्शन हो रही है, तो पेशेंट की जो नेक जो होती है वो एक्सटेंड हम करते हैं, फिर से स्लोली इसको बाहर निकालते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, स्लाइटली रिट्रैक्ट, फिर उसके बाद ग्रेजुअली एडवांस करते हैं। अगर ये टेक्निक फेल होगी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्टीलेट जो होता है, वेल लुब्रिकेटेड मेलेबल स्टीलेट, वो हम इंसर्ट करते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होगा वो इंसर्ट करते हैं। उससे क्या हो जाएगा, उससे ट्रामा कम हो जाएगा और हम एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होता है वो हम इजीली पास कर सकते हैं। अब जब एंडोट्रेकियल ट्यूब फेरिंक्स पर पे पहुंच जाएगा, स्पॉन्टेनियसली वेंटिलेटिंग पेशेंट जो होते हैं, ब्रीदिंग पेशेंट जो होते हैं, तो उनमें स्लोली क्या होता है, ग्लॉटिक ओपनिंग जो होती है इंस्पिरेटरी फेज में वो वाइडेस्ट होती है, ओपन होती है, ग्लॉटिक ओपनिंग जो होती है वाइडेस्ट होती है इंस्पिरेटरी फेज में, तो उस टाइम ये ग्लॉट्स में एंटर हो सकता है। अगर आपने एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट में, पैरालाइज्ड पेशेंट जो है उसमें इंसर्ट किया है, उसमें आप नेजोट्रेकियल इंटीबेशन कर रहे हो, तो उसमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को सबसे पहले जब आपने ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट किया, जब ये फेरिंग्स पे पहुंच जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी करनी चाहिए। डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी करने के बाद आप मैगुलस इंट्यूबेटिंग फोर्सेप्स जो होता है उससे आप एंडोट्रेकियल ट्यूब को होल्ड करोगे। होल्ड कहाँ पे करना होता है, कफ के प्रॉक्सिमल साइड से, कफ के पीछे होल्ड करना होता है, और जेंटली इसको गाइड हम करते हैं, ग्लॉटिंग ओपनिंग जो होती है उसमें गाइड करते हैं अंडर डायरेक्ट विजन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंडोट्रेकियल ट्यूब, जब आप एनेस्थेटाइज्ड पैरालाइज्ड पेशेंट में नेजो ट्रेकियल इंटीबेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब फेरिंक्स पे ट्यूब पहुंच जाएगा उसके बाद आप डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी करोगे, और मैगलिस इंट्यूबेटिंग फोर्सेप्स जो होता है उससे आप एंडोट्रेकियल ट्यूब होल्ड करोगे कफ के प्रॉक्सिमल साइड से, और जेंटली इसको हम गाइड करेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब को ग्लॉटिक ओपनिंग में अंडर डायरेक्ट विजन। और यहाँ से अगर आपका असिस्टेंट जो है वो जेंटल पुश करेगा एंडोट्रेकियल ट्यूब को, उससे क्या हो जाएगा, वो ट्रकिया में एंटर हो जाएगा। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है जब आप होल्ड करोगे, उसको पुश करोगे, यहाँ से जो असिस्टेंट है वो भी जेंटली पुश करेगा, जेंटली पुश करेगा, और आप इसको गाइड करोगे इनटू द ट्रकिया थ्रू ग्लॉटिक ओपनिंग। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है कितना इंसर्ट करना चाहिए, कितना डीप इंसर्ट करना चाहिए, यूजुअली 26 सेंटीमीटर इन फीमेल्स एंड 28 सेंटीमीटर इन मेल्स। अडल्ट मेल जो होते हैं उनमें हम 28 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं अंदर नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन में ट्यूब, और 26 सेंटीमीटर फीमेल्स में अंदर इंसर्ट करते हैं। तो इससे जो ट्रैकियल पोजिशनिंग जो होती है वो अप्रोप्रिएट ट्रैकियल पोजिशनिंग होती है, मेजर्ड फ्रॉम द नेरीज, नेरीज से जो कि हम मेजर करते हैं, उसके बाद एंडोट्रैकियल ट्यूब को हम फिक्स करते हैं ताकि ये डिसलॉज ना हो जाए। तो नेजो ट्रैकियल इंट्यूबेशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको इक्विपमेंट्स रेडी रखने होते हैं, प्रिपेयर करके रखने होते हैं, नेजल पेटेंसी चेक करनी होती है, दोनों साइड से अगर नेजल पेटेंसी सेम है, इक्वल है, तो राइट नेरीज सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद नेरीज जो होती है उसमें हम वैजो कंस्ट्रक्टिव ड्रॉप्स या सोक्ड कॉटन टिप प्लेजेट्स या स्प्रे यूज़ करते हैं नेजल ट्रैकियल इंट्यूबेशन से पहले। अब एनेस्थीजिया अचीव करने के बाद, चाहे टॉपिकल एनेस्थीजिया अवेक इंट्यूबेशन में या जनरल एनेस्थीजिया, एंडोट्रेकियल ट्यूब हम सिलेक्ट करते हैं। साइज उसमें हमेशा नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए 0.5 to 1 mm इंटरनल डायमीटर कम रखना चाहिए कंपेयर टू
नॉर्मल ऑरोट्रेकियल इंटीब्यूशन पर्पस के लिए जो आप ट्यूब सिलेक्ट करोगे उससे एक साइज या 0.5 साइज कम रखना चाहिए ट्यूब। तो ट्यूब को हम एडवांस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू फेस एंड पैरेलल टू हार्ड पैलेट। फिर स्लोली इसको एडवांस करते हैं। अगर आपको कहीं पे रेजिस्टेंस फील हो रही है या आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही है, ट्यूब को स्लाइटली रिट्रैक्ट करो और फिर से नेक और जो होती है पेशेंट की उसको एक्सटेंड करो और जेंटली इसको एडवांस करो, ग्रेजुअली एडवांस करो ट्यूब को। ठीक है, अब जब ट्यूब जो है फेरिंक्स में पहुंच जाएगा, फेरिंक्स में पहुंचने के बाद डायरेक्ट पैरालाइज्ड पेशेंट्स में हम डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी करते हैं और एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होता है जब फेरिंक्स में पहुंच जाएगा, मैगेलस फोर्सेप्स जो होता है, मैगेलस इंट्यूबेटिंग फोर्सेप्स, उससे हम क्या करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम होल्ड करते हैं, पिकअप करते हैं प्रॉक्सिमल टू द कफ और जेंटली एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम गाइड करते हैं इन टू द ग्लॉटिक ओपनिंग। ग्लॉटिक ओपनिंग में हम उसको गाइड करते हैं अंडर डायरेक्ट विजन। फिर जेंटल पुश, अगर असिस्टेंट होगा वो जेंटली पुश करेगा, उससे क्या हो जाएगा आपको मदद मिलेगी ट्यूब को, एंडोट्रेकियल ट्यूब को ट्रैकिया में एडवांस करने में। एक बार ट्रैकिया में एडवांस हो गए तो कितनी डेप्थ, कितना डीप इंसर्ट करना चाहिए, 26 सेंटीमीटर इन फीमेल्स, 28 सेंटीमीटर इन मेल्स, जो कि हम मेजर करते हैं फ्रॉम द नेरीज और उसके बाद एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होता है वो हम फिक्स करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया नेसोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बारे में इन ब्रीफ। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।